चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर इन दिनों जेडीयू से अदावत को नई पहचान देने में जुटे हुए हैं। अब नीतीश कुमार को लेकर नई पेशनगोई की है। दावा किया है कि राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश के सहारे नीतीश फिर से बीजेपी के साथ जाने की तैयारी में है। उनके इस दावे पर बिफरी जेडीयू ने पूछ लिया कि ये पी के कौन है। रिपोर्ट देखिए। अभी 2 महीने पहले ही तो बिहार का सियासी समीकरण बदला है और 2 महीने बाद इलेक्शन स्ट्रेटेजिस्ट प्रशांत किशोर ने दावा किया है कि नीतीश कुमार खेमा बदलने की तैयारी में है। राज्यसभा में भाजपा का बिल पास कराने में अपना दल के आदमी लगाए हुए हैं। अब बिहार में गठबंधन बनाकर फिर ठगने का उपाय कर रहे हैं। 15 में आपने वोट दिया था, यह आदमी 17 में आपको ठग कर भाग गया। फिर वोट कीजिएगा, फिर भागेगा, लिख कर रखिए। हम उनके साथ रहे, आप उनको नहीं जानते हैं हमसे ज्यादा। प्रशांत किशोर ने दावा किया है कि राज्यसभा के डिप्टी चेयरमैन हरिवंश के सहारे बीजेपी के साथ जाने की तैयारी में हैं। लेकिन प्रशांत किशोर के इस दावे पर बीजेपी ने ही सवाल खड़े कर दिए हैं। बीजेपी जेडीयू का रिश्ता खत्म हो चुका है और ये कभी जुड़ने वाला नहीं है। खुद नीतीश कुमार जी कह रहे हैं और हम लोग पहले ही कह चुके हैं, उनकी राह लालटेन वालों के साथ है, मतलब आरजेडी के साथ है, और हम अपनी राह पे चल रहे हैं। तो कोई जब बीजेपी नहीं चाहती तो गठबंधन कहां से होगा। उधर प्रशांत किशोर के दावे से तिलमिलाई जेडीयू ने पूछ लिया है कि प्रशांत किशोर हैं कौन। कौन है प्रशांत किशोर? प्रशांत किशोर कौन है? आप लोगों के साथ काम किए हैं? हम लोग के साथ बहुत लोग काम करते हैं, जिसका मतलब वो पॉलिटिकल हो पॉलिटिशियन हो गए क्या? प्रशांत किशोर की बात पर हमारी वो है क्या, किस हैसियत के जब हम कमेंट करें उस पर? 2 महीने पहले साथ आई आरजेडी ने प्रशांत किशोर को बीजेपी का साथी करार दिया। आरजेडी की माने तो आज तक प्रशांत किशोर ने बीजेपी से सवाल क्यों नहीं पूछा। बीजेपी पर तो बोल ही नहीं रहे हैं कि 2 करोड़ नौकरी कहाँ है प्रत्येक वर्ष देने का वादा, खिलाफी किया जनता के साथ, किसानों के साथ, 15 लाख खाते में, ये सब पर बोल रहे हैं वो। तो किनके लिए काम कर रहे हैं ये तो दिख ही रहा है। अभी तो प्रशांत जी ही जानते होंगे, हम लोगों को तो मालूम है कि अब नीतीश जी सीधा समाजवादी पृष्ठभूमि के नेता रहे हैं, उसी ये से आते हैं, और अब वहाँ जो भाजपा सरकार की विदाई करने में लगे हुए हैं। बाकी प्रशांत जी जानते होंगे बाकी बात। जिस तरह से प्रशांत किशोर ने दावा किया, उस दावेदारी पर जेडीयू के साथ साथ बीजेपी को भी शुभा है। तो क्या प्रशांत किशोर सिर्फ माहौल बना रहे हैं? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।